तो दोस्तों, स्ट्रिप लाइट लगाने का सबसे पहला नियम है, जहाँ पे भी आपको चिपकाना है उस जगह को आप साफ कर लें। कपड़े पे कोई भी क्लीनिंग वाला लिक्विड ले लीजिए, कोलिन या उस तरह का कुछ भी, और इसको ऐसे ऐसे पोंछ लीजिए। और पोंछने के तुरंत बाद, अगर आप गीले से पोंछ रहे हो तो तुरंत बाद आप नहीं चिपकाएंगे उस पर स्ट्रिप, थोड़ी देर वेट करके ही चिपकाएंगे, क्योंकि ये कैबिनेट का पीछे का हिस्सा है, इसमें काफ़ी धूल है। तो मैं इसको अभी पोंछ रहा हूँ और 5 मिनट इंतज़ार करूँगा इसके सूखने का, उसके बाद ही आगे बढ़ूँगा। तो भाई लोग, ये है RF डिमर 12 वोल्ट के लिए, और स्ट्रिप लाइट में यही यूज़ होता है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसका भी डिटेल में वीडियो है चैनल पे, आप देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जैसे कि सफाई कर ली है, अब यहाँ मैं स्ट्रिप चिपकाऊंगा और यहाँ पे कट कर दूंगा स्ट्रिप को, और फिर वहाँ सोल्डर करूंगा, क्योंकि मोड़ने में स्ट्रिप खराब हो सकती है। तो जो लोग एकदम नए हैं, ये उनके लिए मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ देखिए, सिर्फ पतली सी पन्नी है रेड कलर की, यही निकालनी है स्ट्रिप में से। तो ये टेप पीछे कभी लाल आता है, कभी किसी और कलर का आता है। अगर आप ये मुझसे लेंगे स्ट्रिप लाइट, तो निश्चिंत रहिए, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना मैं करता हूँ ना मैं करूँगा। सबसे नीचे का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। इसको टेप को खींचते जाइए और इसको चिपकाते जाइए। कई लोग इसको बड़ी जोर जोर से पेचकस से दबाते हैं, वो बहुत गलत तरीका है। आप PCB तोड़ दोगे, फिर कहोगे कि LED खराब है, और एक नहीं दर्जनों केसेस इस तरह के मैंने देखे हैं। बहुत हल्के हाथ से दबाते जाइए इसको और लगाते जाइए। और इसको मजबूती कैसे देनी है मैं आपको अभी बताऊंगा। आपको करना है इस तरह का कोई सॉफ्ट कपड़ा लीजिए और उससे इसको दबाइए। ये पेचकस से, प्लास से, हथौड़ी से, कई लोग उससे दबा के स्ट्रिप को ख़राब करते हैं। आराम से कपड़े से आप धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक एक बार दबा दीजिए, वो पूरी स्ट्रिप लाइट बढ़िया से सेट हो जाएगी आपकी। अब मैं बाकी की भी लगा देता हूँ और फिर फाइनल दिखाता हूँ। तो ये मैंने AC लाइन जोड़ ली है, और यहाँ पे पॉजिटिव में लाल तार, नेगेटिव में लाल काला जो तार है वो। अब इधर ये स्ट्रिप लाइट में जाएगा, लेकिन जहाँ ये कंट्रोलर लगाया है ना, ये कंट्रोलर स्ट्रिप में, तो इसको ज़्यादा मजबूती देने के लिए ना मैं इस जॉइंट को सोल्डर कर दूंगा, क्योंकि 2-3 एम्पियर खींचेगी ये लाइट, तो कहीं से भी लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा सोल्डर खर्च करिए और इसको प्रॉपर सोल्डर करिए। और सोल्डर करने के बाद ये हीट श्रिंक चढ़ा रखी है मैंने, ये ट्यूबिंग लगा के ऐसे आयरन से ही इसको चिपका दूंगा, ये सेट हो जाएगी इस पर। सारी लाइट्स बन गए। अब ये रिमोट से मैंने देखिए ऑन किया, तो ये अभी 100% पे है, 50%, 25% और 25% के नीचे भी आप जा सकते हो 4 बार। ये एकदम मिनिमम लाइट है। अब वीडियो में बाकी का रात में बना के दिखाता हूँ आपको। तो ये है नेचुरल लाइट में 25% से भी 4 लेवल नीचे की ब्राइटनेस, और इसमें फ्लैशिंग मोड वोड भी हैं इस तरह के, वो घर के यूज़ के लिए मुझे नहीं लगता आप पसंद करोगे, लेकिन आपकी इच्छा है। इसमें बहुत सारे मोड्स भी दिए हुए हैं फ्लैश के, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन बटन दबाते हो तो स्टेबल लाइट जल जाती है, और धीरे धीरे तेज़ करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। पूरा करना चाहते हो तो 25%, 50% और 100% के बटन दिए हैं। अब ये नेचुरल लाइट बाकी वाइट से थोड़ा सा हल्का सा सूदिंग है। ये एक ऐसा कलर है जो आपकी आँखों को चुभेगा नहीं। वाइट वाला जो कलर होता है वो आँखों को काफ़ी स्ट्रेन देता है। जो वार्म वाइट होता है वो आँखों को बड़ा सूदिंग इफेक्ट देता है, लेकिन ये नेचुरल वाइट है। तो जैसे जिसको आप दिन की रोशनी कह सकते हैं ना, जो एक नॉर्मल एक रोशनी होती, तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इससे। और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें और वार्म वाइट में कितना फ़र्क है। तो ये मैं कैमरा चलते में ही उठा के ले जा रहा हूँ, ये मेरे किचन में वार्म वाइट लगी है, ये देखिए आप, ये पूरा गोल्डन इफेक्ट टाइप का आता है। और ये है नेचुरल वाइट। और इस कमरे का भी मैं आपको घुमा के दिखा दूं, ताकि भाई लोग कहेंगे कि नहीं नहीं वहाँ पे कुछ और चल रहा था, जल रहा था।
तो ये सिर्फ इस 5 मीटर रोल की लाइट है, 100 वॉट की जो 12 वोल्ट की पावर सप्लाई है उससे कनेक्ट किया है। पावर सप्लाई की सारी रेंज अवेलेबल है, रिटेल के लिए भी, होलसेल के लिए भी। तो व्हाट्सएप पे मुझे कॉन्टैक्ट करें, इंडस्ट्री के बेस्ट प्राइस दूंगा। जो घटिया क्वालिटी का सामान होता है वो मैं देता ही नहीं, आप मुझसे मांगोगे भी ना तो मैं हाथ जोड़ के आपको मना कर दूंगा, मुझे डील करना ही नहीं थर्ड रेट क्वालिटी में। क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए मोस्ट वेलकम, रेट्स बहुत जेन्युइन दूंगा, बिना बिल के नहीं दूंगा। तो दोस्तों जैसा आप कैबिनेट लाइट इस वीडियो में देख रहे हैं, ये 240 बल्ब 2835 वाली एलईडी जो होती है वो 240 बल्ब पर मीटर है, मतलब 5 मीटर के रोल में 1200 बल्ब हैं। इसको चलाने के लिए आपको कम से कम एक 12 वोल्ट 100 वॉट की पावर सप्लाई चाहिए होगी। ये हाईलाइट का ब्रांडेड और बहुत ही अच्छा क्यूसी हुआ हुआ माल है। इसके साथ एक ये डिमर चाहिए होगा, ये पाउच डिमर होता है, इस तरह की पैकिंग में आता है। और ये तीनों सामान यदि आपको अपने घर में फॉल सीलिंग में लाइट लगानी है, उसको डिमेबल बनाना है, या घर में टीवी कैबिनेट पे लगानी है, किसी आर्टिफैक्ट में लगानी है, कहीं पे भी लगानी है, तो ये मैं आपको होम डिलीवर विद बिल विद टैक्सेस 1199 रुपीज़ में होम डिलीवर कर दूंगा। और आपको इतना प्यारा इफेक्ट मिलेगा लाइट में, खुद तो अपने घर पे यूज़ करेंगे ही करेंगे, अपने दोस्तों को भी मेरे से कांटेक्ट करने के लिए रेकमेंड करेंगे। मैं ऐसी सर्विस और ऐसे प्रोडक्ट्स में ही डील करता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द बहुत और अच्छे वीडियो में। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।